जयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब अजमेर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह चौहान को यूट्यूब पर गर्दन काटने की धमकी दी गई है। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को एडिशनल SP सिटी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमेर इकाई के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि देश भर में हो रहे दंगों को लेकर यूट्यूब पर सोहेल सैयद नाम के यूट्यूब चैनल पर डिबेट कर रहे थे। इस दौरान सोहेल सैयद नाम के व्यक्ति ने कमेंट करके धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित एडवोकेट भानु प्रताप ने इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दी। सोमवार को एसोसिएशन के पदाधिकारी और सभी अधिवक्ता SP कार्यालय पहुंचे और एडिशनल SP विकास सांगवान को ज्ञापन देकर धमकी देने वाली व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। यूट्यूब पर एक वीडियो था चैनल का, उस पर किसी प्रकार की डिबेट हो रही थी, तो उसके नीचे कुछ कमेंट थे, तो कमेंट का प्रत्युत्तर मैं दे रहा था। उस संबंध में मेरी और किसी एक व्यक्ति की एक हेल्दी चैट हो रही थी, जिस बीच में सोहेल सैयद नाम के एक व्यक्ति ने अचानक से कल सुबह मुझे कमेंट में धमकी दी कि अब तेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो इस संबंध में मैंने कल संपर्क पोर्टल पर भी एक शिकायत दी थी, और आज क्योंकि बाहर हमारी मात्र संस्था है तो वहाँ पर भी मैंने शिकायत दी, DG साहब को भी प्रेषित की शिकायत, और आज SP साहब को भी यहाँ पे हमने शिकायत दी है। किस तरह की धमकी मिली आपको? गर्दन काटने की धमकी। कब की बात है, क्या था डिबेट में? डिबेट में ऐसा कुछ विषय नहीं था, नुपुर शर्मा के संबंध में और वर्तमान परिदृश्य में जो हो रहा है, तो वहाँ पर मैंने बस ये कहा था कि किसी की जान लेना सही नहीं है। इसी संबंध में शायद किसी को ये बात गलत लगी या किस प्रकार से उसने इस बात को ली है, तो उसने इस तरह की दी। गौरतलब है कि उदयपुर में जब से कन्हैयालाल की हत्या की गई है तब से देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस शिकायत के बाद क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी TV के लिए अजमेर से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।